प्रदेश पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में नाकाम साबित हो रही है। ताजा मामला यूपी के बरेली जिले का है। बता दें कि जहां जमीन विवाद के चलते दबंगों ने एक महिला होमगार्ड को सरेआम जिंदा जला दिया, जिसका गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित महिला होमगार्ड का नाम कांति देवी बताया जा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांति देवी बरेली कॉलेज में ड्यूटी के लिए जा रही थी। उसी दौरान बारादरी थाना क्षेत्र में मानसिक मंदित हॉस्पिटल के पास कुछ दबंगों ने उन्हें घेर लिया और फिर केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी। महिला होमगार्ड की चीख पुकार सुनकर आसपास लोग इकट्ठा हुए। लोगों ने फौरन आग बुझाई और उन्हें जिला अस्पताल भिजवाया, लेकिन हालत ज्यादा नाजुक होने की वजह से डॉक्टरों ने महिला होमगार्ड को वहां से निजी अस्पताल में रेफर करा दिया। पुलिस ने महिला होमगार्ड के परिजनों की शिकायत पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि उसकी मां अभी भी फरार है। बताया जा रहा है कि आरोपी कांति देवी की 65 गज जमीन हथियाना चाहता है, जिसके चलते अक्सर विवाद होते रहते थे, लेकिन जमीन पर कब्जा करने के लिए दबंगों ने कांति देवी पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी। इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। तो वहीं बरेली के एसपी सिटी अभिनंदन सिंह ने बताया है कि महिला होमगार्ड को सड़क पर सुनसान इलाके में केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।